कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आलू की चाट, वो भी बिना एक बूंद ऑयल के, एकदम जीरो ऑयल। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं और आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। अब हम एक चाकू से एक आलू के 2 पीस कर लेंगे। तो अब हम एक चाकू की हेल्प से आलू को बीच में से गहराई में से काटेंगे। और इस वाली चाट को पुलिया चाट भी बोलते हैं, जो कि पुरानी दिल्ली की बहुत ही फेमस चाट है। बस इसको हल्का सा गहराई से काटकर इसके आलू को निकालना है। और जो इसका आलू है इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, बाद में हम इसको भी काम में लेंगे। आप देख सकते हो हमें ऐसा गहराई तक करना है। अब हम सभी आलुओं को इसी तरह से गहराई से काट लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने आलू को बीच से काटकर इसमें अच्छे से गहराई में जगह बना ली है। और अब ऐसा करेंगे कि जैसे कि ये कोई आलू अगर नहीं टिक रहा है, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा पीछे से भी कट कर लेंगे। पीछे से काटने से ये होगा कि आराम से खड़े हो जाएंगे। जैसे कि अब ये हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही काटना है बस, जिससे कि खड़े हो जाए, ज़्यादा नहीं काटना है। आप देखना बच्चों को ये वाली चाट कितनी पसंद आएगी। और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो आप कितनी भी खाए मोटा होने का तो कोई डर ही नहीं है। ये देखिए, मैंने सारे आलू को काट कर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इनकी एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए जो उबले हुए आलू में से कटिंग के बाद आलू बचा था, हमने वो वाला आलू ले लिया है। और यहाँ पर हमने एक टमाटर के छोटे छोटे पीस करके ले लिए हैं, और थोड़ा सा खीरा काट के ले लिया है। और खीरे को एकदम बारीक काटना है, और थोड़े से धनिया के पत्ते ले लिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में डालकर एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो उन्हें बार बार कुछ खाने का मन करता है, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो आप ये वाली चाट बनाना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और ना ही इसमें किसी तामझाम की ज़रूरत है, क्योंकि आलू भी हर समय उबले हुए ही होते हैं, सारा सामान घर पर होता ही है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक जो हम वाइट नमक यूज़ करते हैं खाने में। और इसमें अब हम डाल लेंगे आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च। और अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसमें लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच से भी कम चाट का मसाला, और अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू को इस स्टफिंग से कवर कर लेते हैं। ये देखिए, आप ना इस चम्मच की नोक से इसको अंदर तक आराम से भर लीजिए, बड़ी आसानी से भरी जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप सारी स्टफिंग ऐसे भर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि जो सब्जियां मैंने ली है आप भी वही सब्जी ले, आप कोई फ्रूट भी भर सकते हैं अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से। और आप इसमें थोड़ा सा मट्ठी वगैरह जो होती है, घर पे नमक पारे होते हैं, वो भी तोड़ के डाल सकते हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस पर डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी मीठी चटनी। और आप अगर हरी चटनी पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। मीठी चटनी को अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ी दही। और अगर बच्चे पसंद नहीं करते दही खाना, तो आप रहने भी दे सकते हो। और अब इस पे लगा देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ये बहुत ही सुंदर लगेगी दिखने में, इससे ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी।
अब हम डाल देंगे इस पर थोड़ी सी भुजिया, आप अपनी पसंद की कोई नमकीन भी डाल सकते हैं। ये समर वैकेशन की बहुत ही अच्छी चाट है, बच्चों को समर वैकेशन में जरूर बनाकर खिलाएं। तो हमारी चाट तो लगभग कंप्लीट हो ही गई है, अब बच्चों के लिए हम थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री भी रखेंगे जिससे कि बच्चों को ये चीज अच्छी भी लगे और वो बिना ऑयल वाली चाट को बहुत आराम से खा लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।